जनपद संभल के चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में बीते 3 दिनों से संचालित हो रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रसव इकाइयों में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के 3 दिवसीय क्षमता प्रशिक्षण के समापन समारोह में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार सक्सेना पहुंचे। इस दौरान वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार सक्सेना ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए डिलीवरी के समय आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया तथा उनसे निपटने के उपाय भी बताए। इस दौरान वहां पर मौजूद सभी लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। यहाँ पे 3 दिवस का जो प्रशिक्षण था, इसमें जो है प्रसव से संबंधित जो भी सुविधाएं जो हैं सरकार की तरफ से और जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में विस्तृत रूप से जो है इनको जो है रोल प्ले करके मॉडल पे बताया गया, ताकि प्रसव के दौरान जो जटिलताएं पैदा हो जाती हैं कैसे उनसे इन लोगों को निपटना है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है कि जो जच्चा होती है उसके जान की वो जान का खतरा होता है। तो बहुत बारीकियों से जो है नवजात शिशु को और जो गर्भवती महिला है उसको जो है कैसे स्वास्थ्य पहुंचा के जो है लाभ पहुंचाएंगे। तो साथ ही यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, तो किस चीज़ के लिए किए गए? ये चीज़ इन्होंने ये 3 दिन में अपना जो है ट्रेनिंग पूरा कर लिया है और जो है कहते हैं उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद में अपने अपने जो है अस्पतालों में जा कर के उस काम को बखूबी अंजाम देंगे। ये हर जैसा कि हर ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है।